एक ही हल है, इस मुल्क को बचाने के लिए 24 करोड़ लोग सड़कों पे आए, चौक और चौराहे पे फैसला करें, और अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ये पाकिस्तान। अल्लाह के पास हाकमियत है, उसके बाद फैसले सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है। शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को जाके कहें कि हम असली और नस्ली पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी के लिए ज़िंदा हैं, सिर्फ हमारे वोट का हक इसलिए रोका जा रहा है कि ये खौफ है कि ये वोट इमरान खान को पड़ेगा। उन्हें ये खौफ है कि ये फरसूदा चेहरे और गंदे और परागंदे चेहरे और आले शरीफ और जरदारी एंड कंपनी, ये पंजाब में ये जो सियासी दुल्हन मोहसन को लाया गया, ये तो फ्रंट मैन है आसफ जरदारी का, और प्ली बारगेन की हुई है उसने, और 60% आबादी के सूबे में अगर ये समझ रहे हैं कि ये झुरदू चलेगा, तो याद रखो लोगों ने इनका मुरलू चला देना है इनके खिलाफ। फैसला लोगों का है। नईम बजोता साहब ने मुझे रात किया है, मैं 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के डेट चेंज करके आया हूँ, मैंने परसों आना था, इसलिए कि अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बचाना होगा। 2022 मॉनसून को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।